मुझे भी खिला दो थोड़ा सा। सो यम्मी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज मैंने सोचा ना अपना व्लॉग को मॉर्निंग से शुरू कर देते हैं। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी, वरना तो पुणे का जो मौसम है काफ़ी लाइक बरसात वाला है। और मेरा गला और मेरी जो नाक है वो कभी भी शुरू हो जा रही है, मतलब आप लोगों को बहुत यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मौसम बहुत बदलता है। और अभी तो फ़िलहाल बरसात का मौसम है, तो इट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। 11 से 12 तारीख तक ये मुहूर्त इसका जो है वो निकाला गया है रक्षाबंधन का। एंड मेरा भी भाई यहाँ पर पुणे में है नहीं, सो वी आर मिसिंग हिम अ लॉट। तो देखते क्या होता है आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। दरअसल अब हम मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि यहाँ पे वॉक करने में अलग ही मज़ा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा अच्छा मौसम हो रखा है, तो अच्छा हो रहा है। इतने टाइम इतनी धूप हो जाती है। एग्जैक्टली। और बाहर निकलने का मन नहीं करता है। हम लोग कर रहे हैं वॉक, और आप लोगों को बता दें हम खराड़ी साइड है, और कहाँ पर है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन इधर ही के साइड है। और यहाँ पे ना बस आप लोगों को बिल्डिंग, मुझे क्या आप लोगों को तो पता ही होगा, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देगी। सो मम्मी कहती है यहाँ पे और कुछ नहीं है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग देखने को मिल रही है। और ऐसा मेरी दीदी ने बताया था कि ये एरिया पूरा पहले जंगल था, उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बिल्कुल इन पूरा अर्बन एरिया में, और हर जगह आपको हरियाली और बिल्डिंग देखने को मिलेगी। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ वॉक करके सुकून मिल रहा है। ये है यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ, ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, जिससे हम लोग कहीं बीमार भी ना पड़ जाए। देख ले, मैं रुक गई थी यहाँ पे, आपको पीछे एक मंदिर दिख रहा होगा, ये मॉर्निंग में बंद है, हमने सोचा कि इस पे दर्शन करते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग में पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। हमें लगा कल हम आए थे तो हमें लगा आज खुला होगा, पर आज भी बंद है। हमारी मम्मा गई है पता करने कि ये कब खुलता है। तो कुछ पता चला? इसका कोई टाइम नहीं है, तो पता नहीं यहाँ पे मंदिर का कोई मतलब ओपनिंग का टाइम नहीं, मम्मा कह रही है। और बहुत प्यारा से ये मंदिर बनाया गया, मम्मी ने जाके देखा तो इसके अंदर सारे भगवान हैं। मंदिर तो सुबह 5 बजे खुल, हाँ हमारी तरफ 5 बजे खुल जाते हैं, यहाँ पे मम्मी कह रही 8 बजे तो खुलेगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। सो ये था यहाँ का मंदिर, किनारे है ना, हाँ थोड़ा सा अंदर के साइड पर बन जाता है। और अब मेरे फ़ोन में फाइनली 1% बैटरी बची है। सो घर पे मिलते हैं अब आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा दिखा दिया आसपास हमारे क्या है। एक सेजन की फली भी लगी है। वाह, मम्मी को सेजन की फली और कोकोनट ट्री भी दिख गया, साथ में यहाँ पे डॉगी भी हमें दिख गया, कुछ नया देखने को तो मिल रहा है। हाँ, पेड़ों पे हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। और घरों में भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट घर है, और उनका हर मतलब जो नेम रखा गया ना वो भी काफ़ी डिफरेंट है, जैसे राधा कृष्णा माँ के ऊपर रखा गया है, और काफ़ी लाइक मैं कह सकती हूँ कलरफुल है यहाँ पे वो जो घर है। और ज़्यादातर यहाँ पे ना जैसे कि रेसिडेंसी होते हैं ना, रेंटेड हाउस, वो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगा। पता बाहर से नहीं पता चल रहा कि हाँ। इसके अंदर होटल, जैसे हमारे यहाँ पे इनको होटल ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बाहर से पता नहीं चल रहा कि क्या है, जब अंदर जाके देखूँ तो मतलब सबकी ऐसी बिल्डिंग है कि चीज़ें काफ़ी बनी हुई हैं। अब मेरा फाइनली फोन बंद होने वाला है, सो वो भी बाय 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 करो, घर पर बोलते हैं। सब्जी वाला कहाँ जा रहा है? पहले से गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं बैलून ले रहे हो? हाँ।
ले लो। सो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मसाला पाव, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और इसकी रेसिपी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी, @punchoftwist मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सो लेट्स मेक इट। और ब्रेकफास्ट में हम लोग ये बना रहे हैं और बहुत इजी सी रेसिपी है, सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो नाश्ता हो चुका है और आप मेरे मुंह में देख रहे हो कि ये कुछ लगा है, ये है फेस पैक, क्योंकि रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा थोड़ा सा चमक भी जाते हैं। सो बस थोड़ी सी कोशिश है तो बस, और अब हम देखते हैं कि और क्या प्लान बनता है। और नाश्ता तो हमारा बहुत बढ़िया सा हो गया, मसाला पाव, और दिन का हम लोग सोच रहे हैं कि कढ़ी चावल बनाएंगे। और हमारे अव्यान जो है वो अपने हाउस, छोटे से टेंट हाउस में घुस चुके हैं। सो आप लोगों को दिखाती हूँ। अव्यान, वेयर आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? ये आपका घर है? ओए कहाँ है वो? शियाल ने पका लिया। सो दोस्तों, इवनिंग का टाइम हो चुका है, दिन कैसे गया इस छोटू के साथ पता ही नहीं चलता। और अब हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं ना, क्या खेलने जा रहे हैं? बास्केटबॉल। और मौसम काफी अच्छा हो रखा है, बारिश वाला हो रखा है, मतलब बार बार बारिश हो रही है और रुक जा रही है, बहुत ठंडा है। मम्मी यहाँ पे हमारा यूट्यूब चला रही है। चलो बास्केटबॉल खेले, लेट्स प्ले। ओके से ये ध्यान गई और ही रहता है इसका हमेशा। निया कोई बात नहीं, ओ नो कोई बात नहीं, वंस अगेन अभी जाएगा। ये क्लैप 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 करो, क्लैप क्लैप करो। यहाँ पे नच्चू नच्चू हो रहा है भाई, कौन सा डांस हो रहा है ये? यू आर अ डांसर। तो दोस्तों, रात का समय हो चुका है, मैं अपनी मम्मा के साथ निकली हूँ वॉक पर। चल रहा है, रात हो रही, दिन हो रहा है, मम्मी को मतलब अलग ही लग रहा है यहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पे वॉक पे निकले हैं और कुछ लोग स्कूटी से आ रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे छोटे बेबी जब जाएगा वॉक करके तो थक जाएगा, तो दीदी ने बोला स्कूटी से आते हैं हम, और मैं और मम्मा वॉक करके जाएंगे। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पुणे को, अभी तो हम खराड़ी साइड है तो उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी वॉक करके हम लोग जा रहे हैं। और इधर ना काफ़ी फूड आउटलेट दिख रहे हैं हमें, छोटे छोटे सामने बहुत सारे हैं। सो बस हम लोग देखते हैं कि कहाँ आप जाते हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं मम्मी को बस ले जाई पड़ी हूँ, जहाँ ले चलो वहीं चलो। सो ये जो इतनी धीमे धीमे स्कूटी जा रही है, ये हमारे ही लोग हैं, और यहाँ पे हमारा चौथू सा अभियान भी आ गया। ये अब आ गए, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम खा रहे हैं गर्मा गर्म बाटी चोखा, और इतने अच्छे मौसम में तो मजा आ जाता है। हाँ अंदर देख रही है, आप भी खा रहे हो? प्लीज मुझे भी खिला दो थोड़ा सा। सो यम्मी। हमारी बाटी है घी वाली, यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड दिया है अनियन में, दो तरह की चटनी दी है, तो जल गया, गर्म है, सब खाते हैं। सो दोस्तों, हमने लिट्टी चोखा यहाँ पर खाया, वैष्णवी यहाँ पे भंडार था वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा था, लाइक लखनऊ से काफ़ी डिफरेंट हमें खाने को मिला। वहाँ पे बाटी चोखा मिलता है, यहाँ लिट्टी भंडार था, तो वहाँ पे हमने खाया, और काफ़ी सॉफ्ट लिट्टी थी, और थोड़ा सा मतलब अलग था, चटनी भी इन्होंने दो दी थी तरह के, तो सिंपल सा बहुत टेस्टी सा था। और 65 रुपीज़ का हमें पड़ा। अब हम आए हैं मोमोज खाने। कहाँ क्या देख रहे हो? बैलून देख रहा है, क्या देख रहे हो? बैठ चुकी हूँ, और ये ना आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये टॉय मॉल है, जहाँ पे मतलब टॉय मिलते होंगे ना बच्चों के भी हाँ। यहाँ पे टॉय मिलते होंगे, तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि टॉयज हो गए ऐसे लोगों के लिए, स्ट्रीट फूड हो गया, और फिर क्या
टॉयज। अच्छा, तो मतलब काफ़ी जैसे मार्केट वाला एरिया है, तो अब मेरी मम्मा और दीदी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आज मम्मी आई हमारे साथ, तो वो गोलगप्पे खाने का मतलब उनको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो वो आ रखी हमारे साथ, और बस हम लोग गोलगप्पे खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। और एक बार मैं और यहाँ पर आऊँगी और आप लोगों को ये मार्केट जो एरिया है टॉय मॉल के इधर एरिया, वो आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। तो दोस्तों, हमने गोलगप्पे भी खा लिए और बहुत काफ़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे गोलगप्पों को खिलाया जाता है। मैं आप लोगों को इन फ्यूचर मतलब थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे गोलगप्पों को खिलाया जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा यूनिक था। और अब हम डी मार्ट में आए हैं, थोड़ा सा डी मार्ट रेडी मेरी सिस्टर ने बोला है, तो वहाँ पर हम आए हैं और देखते क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब पुणे वालों का फेवरेट है डी मार्ट, जब भी आते हैं तो यहाँ से सामान लेके ही जाते हैं, सो हम भी चलते हैं अंदर। डी मार्ट रेडी के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ रखे हैं, मतलब दो सेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह सारे हैं। और जैसे डेली यूज में आप टॉप वगैरह पहनते हो ना, टॉप्स वगैरह, तो गर्ल्स के टॉप्स वगैरह हैं, नीचे कैप्रीज वगैरह है, और इधर बॉयज़ का सेक्शन है, छोटे बच्चों का है, स्टॉल्स वगैरह है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉय मॉल था उसके जो पास में ये डी मार्ट है, कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का। तो दोस्तों, हम लोग डी मार्ट से निकल चुके हैं, तो डी मार्ट इज लाइक बारिश हो रही है मेरे को बता रहे थे, तो डी मार्ट से हम लोग निकले और वहाँ पे ना आप डेली जो एसेंशियल आपकी नीड्स होती है वहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो एक दो हम लोग ने भी चीज़ें लिया, उसके बाद मम्मी ने थोड़ी सब्जी वगैरह देख रही थी और हमें थोड़ा सा टाइम लग गया और बारिश स्टार्ट हो गई है, और हवा इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पर, मैं क्या बताऊँ, मेरा बड़ा छाता उड़ाए सॉरी मम्मा पकड़ो। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसे खचक से दबा दीजिएगा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मम्मी बहुत चालू है यार, तुमने अपने आप को बचा लिया है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh